अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सायरा फारूक और आज मैं आपके लिए हाथ पैरों को बहुत ज़्यादा गोरा और साफ शफाक बनाने का तरीका लेके आई हूँ, क्योंकि ईद का दिन है कल और आप एक यानी इससे एक दिन पहले अपने हाथ पैरों को बहुत ज़्यादा वाइट और खूबसूरत बना सकते हैं। उसके लिए ये मैं सॉफ्ट टच की ये वाइटनिंग ब्लीच क्रीम है और ये मैंने 30 रुपये के लिए और ये मैं छोटा मिनी पैक लिया है, ये ओनली 30 रुपये का है और 30 रुपये के अंदर आप अपने हाथ पैरों को बहुत ज़्यादा वाइटन और खूबसूरत बना सकते हैं ईद के ऊपर। और क्योंकि ये छोटा मैंने यूँ लिया है कि जो बड़े ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते वो 30 रुपये का छोटा लेके पैकेट अपने हाथ पैरों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएँ, क्योंकि ईद के ऊपर तो हम फेशियल ब्लीच करवा के अपने फेस को बहुत ज़्यादा हो यानी वाइटनिंग और ग्लू दे देते हैं, लेकिन अपने हाथ पैरों पे इतनी तवज्जो नहीं देते और देखने वाले देखते हैं कि फेस तो इतना चमक रहा है और हाथ पैर हमारे बहुत डिम हैं। तो फेस के साथ साथ अपने अपने हाथ पैरों को भी खूबसूरत बनाएं और उसके लिए मैं आपको ये अपने हाथ पैरों को खूबसूरत और वाइट बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो गाइस, ये ब्लीच मैंने बना ली है और कैमरा ऑन करना भूल गई और सारी चीज़ें डाल के मैंने मिक्स कर ली। अब जब कैमरा देखा तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हुई हुई, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ ऐड करी थी। मैंने आपको ये सॉफ्ट टच की ये वाइटनिंग ब्लीच क्रीम का बताया था, इसके अंदर से 2 पैकेट निकले थे, ये एक में क्रीम थी ब्लीच क्रीम और एक में इसका पाउडर था, ये दोनों मैंने पूरे पूरे इसके अंदर डाल दिए। फिर उसके बाद जो मैंने ये सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पाउडर है ये 1 चम्मच का चौथा हिस्सा डाला था इसके अंदर, क्यों ज़्यादा नहीं डालना, और क्योंकि ये वाइटनिंग पाउडर है ये हमारी स्किन को वाइट करता है और ये यानी बालों को गोल्डन नहीं करता, सिर्फ स्किन को वाइट करने में ये हमारी मदद करता है। और उसके साथ बाद मैंने 1 चम्मच जो है ये सॉफ्ट टच का वाइटनिंग बूस्टर डाला था, क्योंकि ये हमारी स्किन को और मज़ीद वाइटनिंग करने में मदद करता है। ये देखें इसके अंदर ये सारी पीछे की मेंशन है, स्किन बूस्टर वाइटनिंग बूस्टर, ये 1 चम्मच डाला था मैंने इसके अंदर ब्लीच में। और फिर आधा चम्मच जितना मैंने ये कोलगेट डाला था, क्योंकि ये कोलगेट भी हमारी स्किन को बहुत यानी वाइटनिंग देगा और हमारी स्किन पे से जो मेल कुचेल है वो काटेगा और जो दाग धब्बे हैं वो भी इनको दूर यानी साफ़ करेगा, इसका मैंने 1/2 चम्मच लिया था। और ये सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर है, ये इसका भी मैंने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करा था, क्योंकि ये हमारी स्किन को शाइनिंग देगा और हमारी स्किन जो चमकती हुई दिखेगी, क्योंकि ईद का दिन है हम पार्लर जाके हाथ वो पैर पर इतनी तवज्जो नहीं देते जितने अपने फेस पे तवज्जो देते हैं, ब्लीच करवा लेते हैं, फेस पॉलिश करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं और अपने हाथ पैर पर इतनी तवज्जो नहीं देते। तो ये है कि अपने फेस के साथ साथ हमें अपने हाथ पैरों के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, तो यानी हाथ पैरों पर ब्लीच करना चाहिए। जो तरीका कार मैंने आपको ये ब्लीच बनाने का तरीका बताया है, यकीन जाने से आपके हाथ पैर बिल्कुल ही वाइट हो जाएंगे, साफ़ सुथरे और चमकते हुए दिखेंगे, फेस के साथ साथ आपके हाथ पैर भी चमकेंगे और आपको खुद हैरान हो जाएंगी ब्लीच करने के बाद कि आपके हाथ और पैर कितने खूबसूरत होंगे। और आप मेरे हाथ देख सकते हैं थोड़े डिम डिम से हैं और अपने हाथ पैर पर करके दिखाऊँगी। तो गाइस, अपने फेस के साथ साथ अपने हाथ पैरों को भी ध्यान दिया करें, तवज्जो दिया करें कि लोग हमारे फेस के साथ साथ हमारे हाथ पैर भी देखते हैं। हाथ पैर हमारे डिम होंगे तो लोग समझ जाते हैं बस मुंह का कमाल है, हाथ पैर तो इनके ऐसे ही काले से हैं, सांवले हैं। तो अपने हाथ पैरों को खूबसूरत बनाएं ये ब्लीच करके, बहुत ज़बरदस्त ये ब्लीच बन के तैयार हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ हाथ पैरों पर ब्लीच करके। मैंने आपको सारा तरीक़ेकार बना दिया, आप इसी तरह इस ब्लीच को बनाएं और ये अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो एक जान हो जाए और इसका असर जो है बहुत जल्दी हो। ये अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिए, और ये देखें फूल के हो गई है। अब मैं अपने हाथों पे और पैरों पे करके दिखाती हूँ, और ये देखिएगा इस ये कर रही हूँ अपने हाथों पे, और इंगलियों के जो पोल होते हैं उनके ऊपर भी आप अच्छी तरह लगाएं ब्रश से ताकि हमारी रेखों में ये ब्लीच जाए, तो अच्छी तरह हमारे स्किन जो है वो वाइटनिंग हो। और आप इस ब्लीच क्रीम को हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लीच करने से हमारे हाथ पैर जो हैं बहुत ज़्यादा फेयर लगते हैं।
और ईद पे तो हर कोई चाहता है कि हर कोई खूबसूरत नज़र आए, तो खूबसूरत नज़र आने के लिए हमें कोई चीज़ भी मिस नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ हमें फ़ायदा दे उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत ही कम पैसे के अंदर ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त वाइटनिंग ब्लीच जो है बन के तैयार हो गई है। अब मैं अब दूसरे हाथ पे भी लगाती हूँ और इसको हम 15 मिनट तक अपने हाथ पे लगे रहने देंगे, फिर मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट कि कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है। और गाइस ये देखें ब्लीच लगे हुए मेरे को 15 मिनट हो गए हैं और ब्लीच भी हो गई है। अब मैं आपको अपने हाथ वॉश करके दिखाती हूँ और रियल डेमो दूंगी इसकी कि ये ब्लीच कितनी ज़बरदस्त है हमारी स्किन के लिए, हाथ पैरों के लिए, कितना ये हमारे हाथ पैरों को फेयर और वाइटनिंग देती है। और गाइस जितनी ये ब्लीच बनाने के लिए मैंने जितनी जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, जितनी क्वांटिटी बताई है उतनी ही डालिएगा, उतना उससे कम करिएगा ना उससे ज़्यादा करिएगा, और जितना बताया उसके लिहाज से बनाएंगे तो बहुत अच्छी और बेहतरीन बनेगी। अब मैं आपको अपना हाथ वॉश करके दिखाती हूँ और ये देखिए गाइस मैं साफ़ कर रही हूँ, इसलिए आपको रियल साफ हाथ करके दिखा रही हूँ ताकि मैं वॉश करके आपको दिखा दूँ। आप कहेंगे कि भाई ब्लीच तो गली थी, धो के साफ करके तो दिखाया ही नहीं, कोई लगा ली होगी वाइटनिंग क्रीम या कोई वाइटनिंग लोशन, तो आप इसका लाइफ रिजल्ट देखें कितना इसका ज़बरदस्त आया है। क्योंकि ईद थी, ईद से पहले आप कर लें या आपके यहाँ कोई शादी है, कोई फंक्शन है वगैरह है, तो आप उसके अंदर भी आप भी एक दो दिन पहले अपने हाथों को और पैरों को ब्लीच कर लें। और ये देखें करीब से दिखा रही हूँ कितना, मैंने पहले आपको अपना हाथ दिखाया था, मेरे हाथ बहुत डल हो रहे थे और अब देखें कितनी स्किन मेरी शाइनिंग भी कर रही है और वाइटनिंग भी हो गई है। ये देखें कितना साफ हो गया ये। अब ये दूसरा हाथ भी धो के दिखा रही हूँ, लेकिन जाने इतना बेहतरीन ये ब्लीच हमने जो बनाई है ना, आप खुद करेंगी ना तो वाकई कहेंगी, वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है, हैरान रह जाएंगे आप अपने हाथ पैरों पर ये जब ब्लीच करेंगी। काले से काले हाथ भी आपके जो है वो वाइट हो जाएंगे। ये देखो तो गाइस ये देखें मैंने अपने हाथों को धो लिया है और कितना ये देखें फेयर हो गए हाथ मेरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डल थे, मैंने कई महीनों से अपने हाथों पे ब्लीच नहीं की थी, तो मैंने सोचा चल अपने हाथों पैरों पे मैं ये ब्लीच कर रही हूँ बना के, तो मैं आपको भी दिखा लूँ बता दूँ। और देख लें आप कितना ये देखें कितना फेयर हो गए हाथ, और आप देख सकते हैं मेरे हाथ, मेरी उंगलियों के ये पोरवे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना ब्राउन ब्राउन हो रहे थे, और हाथ भी देख सकते हैं कोई मैंने वाइटनिंग क्रीम या लोशन नहीं लगाया है, बिल्कुल रियल है, आपको हाथ भी लगा हाथ दिखा रही हूँ ना, यानी फेयर हो गए हमारे हाथ। तो गाइस आपको मेरी ये ब्लीच बनाने का तरीका पसंद आए तो मेरे को कमेंट करके लाजमी बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। ईद का मौका है, अपने हाथ फेस के साथ साथ अपने हाथ पैरों को भी खूबसूरत बनाएँ, ये देखने वाला देखे कि वाकई ही बहुत ही रियल आपके फेस और हाथ पैर दिख रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।